कुर्बानी के टाइम पे हमारे धर्म में किसी एक इंसान ने जानवर को भी तकलीफ देना मना है। गाय का काटना हमारे यहाँ कोई जरूरी नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, इसलिए हमने ये विधि निकाला है कि इसके अलावा 5-6 जानवर है। जब हमारे इस मुल्क के लोग अक्सर भाई लोग सनातन धर्म के और हिंदू मजहब के हैं और वो गाय को अपनी माता मानते हैं, पूजा करते हैं, तो हमको क्या जरूरी है कि हम उसी को काटें? बिल्कुल ना काटें। सख्ती से हम मना कर रहे हैं, मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि गाय को आप लोग बिल्कुल ना कष्ट दें, आप दूसरे जानवर काटिए, अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करने वाला है। किसी को नहीं, आज 2 साल पहले हमारे दारुल उलूम जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक यूनिवर्सिटी भारत में 1.5 साल से, उसने 2 साल पहले पब्लिक से अपील किया है और हमने उसी को रिपीट किया है कि गाय का कुर्बानी ना करें। देखो भाई, हमारे धर्म में किसी एक इंसान ने जानवर को भी तकलीफ देना मना है। एक चींटी को भी, कुत्ते को भी, बिल्ली को अगर तकलीफ होता है वो काम नहीं करना है, उसके वजह से आदमी स्वर्ग में जाएगा। अगर करेगा और कुत्ते बिल्ली को भी कष्ट हुआ तो वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो ये कुर्बानी के टाइम पे गाय का काटना हमारे यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, इसलिए हमने ये विधि निकाला है कि इसके अलावा 5-6 जानवर है। जब हमारे इस मुल्क के लोग अक्सर भाई लोग सनातन धर्म के और हिंदू मजहब के हैं और वो गाय को अपनी माता मानते हैं, पूजा करते हैं, तो हमको क्या ज़रूरी है कि हम उसी को काटें? बिल्कुल ना काटें। सख्ती से हम मना कर रहे हैं, मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि गाय को आप लोग बिल्कुल ना कष्ट दें, आप दूसरे जानवर काटिए, अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करने वाला है। किसी को नहीं, आज 2 साल पहले हमारे दारुल उलूम जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक यूनिवर्सिटी भारत में 1.5 साल से, उसने 2 साल पहले पब्लिक से अपील किया है और हमने उसी को रिपीट किया है कि गाय का कुर्बानी ना करें। गाय का काटना हमारे यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, इसलिए हमने ये विधि निकाला है कि इसके अलावा 5-6 जानवर है। जब हमारे इस मुल्क के लोग अक्सर भाई लोग सनातन धर्म के और हिंदू मजहब के हैं और वो गाय को अपनी माता मानते हैं, पूजा करते हैं, तो हमको क्या ज़रूरी है कि हम उसी को काटें? बिल्कुल ना काटें। सख्ती से हम मना कर रहे हैं, मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि गाय को आप लोग बिल्कुल ना कष्ट दें, आप दूसरे जानवर काटिए, अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करने वाला है। किसी को नहीं, आज 2 साल पहले हमारे दारुल उलूम जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक यूनिवर्सिटी भारत में 1.5 साल से, उसने 2 साल पहले पब्लिक से अपील किया है और हमने उसी को रिपीट किया है कि गाय का कुर्बानी ना करें। देखो भाई, हमारे धर्म में किसी एक इंसान ने जानवर को भी तकलीफ देना मना है। एक चींटी को भी, कुत्ते को भी, बिल्ली को अगर तकलीफ होता है वो काम नहीं करना है, उसके वजह से आदमी स्वर्ग में जाएगा। अगर करेगा और कुत्ते बिल्ली को भी कष्ट हुआ तो वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो ये कुर्बानी के टाइम पे गाय का काटना हमारे यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, इसलिए हमने ये विधि निकाला है कि इसके अलावा 5-6 जानवर है। जब हमारे इस मुल्क के लोग अक्सर भाई लोग सनातन धर्म के और हिंदू मजहब के हैं और वो गाय को अपनी माता मानते हैं, पूजा करते हैं, तो हमको क्या ज़रूरी है कि हम उसी को काटें? बिल्कुल ना काटें। सख्ती से हम मना कर रहे हैं, मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि गाय को आप लोग बिल्कुल ना कष्ट दें, आप दूसरे जानवर काटिए, अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करने वाला है। किसी को नहीं, आज 2 साल पहले हमारे दारुल उलूम जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक यूनिवर्सिटी भारत में 1.5 साल से, उसने 2 साल पहले पब्लिक से अपील किया है और हमने उसी को रिपीट किया है कि गाय का कुर्बानी ना करें। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।